तो दोस्तों फिर से आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डील करने जा रहे हैं जिसका मैंने 50% इससे पहले वीडियो में कवर कर लिया है। मैं नीचे में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक को डील करने जा रहा हूँ जो कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर का ऐसा मतलब फोर्स था कि आप इस पर वीडियो बनाइए। मैं आज उस वीडियो को सेम डे शूट कर रहा हूँ, इससे पहले जो वीडियो आप देखे होंगे उसी दिन मैं आज फिर से वो वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा था इसके कारण मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ इसके लिए। तो चलिए इसको इन शॉर्ट में मैं एकदम बहुत ही छोटे टाइम में मतलब कम टाइम में कोशिश करूँगा कि ये पूरे आपको ये जो पॉइंट्स हैं उसे कम्प्लीटली बता दूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप मीटिंग करवाते हो अपने फीमेल्स का, तो आप 15 स्टार्टिंग के जो 15 दिन होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इसके लिए बहुत ही डरे हुए रहते हो, क्यूरियस रहते हो। बहुत सारे वेटनरियंस कंसल्ट भी करते हैं, बताते हैं कि आप क्या कुछ खिला सकते हो अपनी फीमेल डॉग्स को ताकि ये 15 दिन का बहुत ही ज़्यादा एक महत्व होता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर फीमेल डॉग कंसीव करने वाली होगी, अगर उसका हार्मोन सही तरीके से बैलेंस होगा, तो वो शुरू के स्टार्टिंग के 15 दिन में कोई दिक्कत नहीं होती। बाद के जो 15 दिन के बाद जो 35 दिन के बीच का रहता है उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहता है। उसमें आपको स्यूडो प्रेगनेंसी होता है, फिर फॉल्स प्रेगनेंसी होता है, मतलब बहुत 3-4 तरीके चीज़ें हैं जिससे कि आपकी फीमेल डॉग कंसीव नहीं करती हैं। ये मैं चारों चीज़ों को कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में इसे कवर करूँ, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है। अगर मैं एक टॉपिक की वीडियो बनाने जाऊँ तो वो कम से कम 8-10 मिनट का होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे शॉर्ट में अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो में क्या बात करेंगे, तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है कि फर्स्ट 15 डे केयर टिप फॉर अ प्रेग्नेंट फीमेल डॉग। तो प्रेग्नेंट बोलना सही नहीं होगा क्योंकि आपने तो सिर्फ अभी मेटिंग करवाया है, तो लेकिन अगर हम उसे माने बी पॉजिटिव, तो इस तरह का हम सोच सकते हैं कि अगर मतलब 15 दिन क्या केयर किया जाए अपनी फीमेल डॉग्स का। तो जब आप मेटिंग करवा के लाते हो तो क्या होता है कि आपकी फीमेल डॉग उस समय हार्मोन से लोडेड होती है, मेल हार्मोन से लोडेड होती है, जो कि आप जब मेटिंग करवाते हो तो मेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तब उस समय एक मतलब मेजर जो टिप है उसे केयर मतलब अच्छे ध्यान में रख सकते हो कि आप अपनी फीमेल डॉग्स का ज़्यादा एक्सरसाइज मत करवाओ, ज़्यादा सीढ़ियों पर मत चढ़वाओ। उससे क्या होता है कि उनके बॉडी में ऊपर नीचे होने के कारण एक बार बहुत मतलब 100 में से 10% ऐसा चांस रहता है कि वो जो मतलब हार्मोन्स है वो बाहर डिस्चार्ज हो जाए, तो इससे आप बचाव कर सकते हो। दूसरा है कि आप अपने फीमेल डॉग्स को खाना, ये 15 दिन का जो स्टेप रहता है उसमें जितना आप खाना देते थे उसका सीधे हाफ कर दो। जैसे अपने डॉग्स को 6 रोटी देते थे या आप चावल देते थे, जितना भी चावल देते हो उसका आधा कर दो, जितना भी डॉग फूड देते हो उसका आधा कर दो, जितना भी कट देते हो उसका आधा कर दो। 15 दिन के बाद आपको जो भी डाइट चलाना है अपने हिसाब से चला सकते हो, लेकिन ये 15 दिन जो होते हैं ना उसमें आप जितना कम उनके मतलब स्टमक में जितना ज़्यादा लोड दोगे उतना उनका प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाता है। जितना कम लोड दोगे उनका हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीक्रेट कर पाएगा, क्योंकि आप ऐसा गौर करते होंगे कि जब आप फास्टिंग में रहते हो तो उस समय आपके बॉडी का जो हार्मोन्स रहता है आपका माइंड कुछ ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो बस वही है फीमेल डॉग्स के भी केस में, लेकिन आप उसे डायरेक्ट तो आप फास्टिंग पे नहीं रख सकते, तो उसे एक तरह से इंटरमीडिएट फास्टिंग बोला जाता है। अब जितना खाना देते हो उसका 50% दो, तो क्या होगा कि उसे सर्वाइव के लिए सिर्फ फूड मिलता रहेगा, उससे ज़्यादा उसे ओवरलोड नहीं करना है। ये दो चीज़ें होंगी। तीसरा चीज़ है कि आप स्टार्टिंग के ये 15 दिन जो हैं उस समय आप कोई मेडिसिन यूज मत करो, कोई भी नहीं, मात्र एक मेडिसिन यूज़ करो जो कि पेट प्रोड्यूसर है। मैंने एक पहला वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि पेट प्रोड्यूसर का क्या यूज़ होता है। तो आप उसे क्या है कि आप मेटिंग के पहले भी यूज़ कर सकते हो, बाद में। तो स्टार्टिंग के 15 दिन आप अपने फीमेल डॉग्स को वेट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी मतलब मैं जितने भी वीडियो भी बना रहा हूँ उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मीडियम ब्रीड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे लैब्राडोर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, रॉटवीलर हो गया, अमेरिकन बुली, ये सब जो है ना वो मीडियम कैटेगरी में आती है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। और अगर स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो आप जो डाइट मैं इनका बता रहा हूँ, जो मेडिसिन इनका बताता हूँ, उसका सीधा आप हाफ कर लो, उसमें पूरा सटीक डोज उनका हो जाएगा। तो अब हम बात करें कि उसमें मेडिसिन, तो आप उन्हें पेट प्रोड्यूसर दो, सुबह शाम दो टाइम, आप 15 दिन तक कंटिन्यू दो। उससे क्या होता है कि आपकी फीमेल डॉग्स का प्रेगनेंसी कन्फर्म होने का बहुत ही ज़्यादा रेट बढ़ जाता है। बहुत ही वर्थ मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता है, मैंने खुद यूज़ किया, अभी कंटिन्यू मैं कर भी रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को यूज़ करो और डाइट बस वही, और कोशिश करो कि जितना आप 15 दिन तक अपने फीमेल डॉग्स को बांध कर रख सको उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कुछ ये चीज़ें थी। तो ये 15 दिन में कुछ खास ऐसे करना रहता नहीं है, बस आप यही कुछ खाना कम दो, और ये है कि अगर गर्मी का दिन है तो आप उसे ठंडा वातावरण दो, आप फैन लगा के रखो, और ठंडी का दिन है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे उसे केयर करते हो उस तरह कर सकते हो।
तो बस अब मैं कोशिश करूंगा कि ये मिड जो प्रेगनेंसी होता है, जो कि आपका 15 दिन से लेके 35 दिन के बीच में रहता है, उसमें बहुत चीज़ें देखने को रहती है। तो मैं आगे उस पर वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या करना रहता है, और फिर वो 45 से 55 दिन 50 दिन का जो रहता है उसके बाद से डिलीवरी टाइम तक जो मतलब प्रॉब्लम आता है, मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और मुझे आशा है कि आप उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी दोगे। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। थैंक यू।